दोस्तों, आप अगर YouTube पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम लाना चाहते हैं और अभी तक आपने ये जो टारगेट है कंप्लीट नहीं किया है, YouTube पे काफी दिनों से काम कर रहे हैं, इवन आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर साल भर भी हो चुके हैं, और आप इस क्राइटेरिया को, जो किसी भी यूट्यूबर को सबसे पहला जो स्टेप होता है चैनल मोनेटाइजेशन के लिए, ये जरूरी होता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम, अभी तक आपने नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि मनोज दे, टेक चैंपियन सपोर्ट या फिर टेक्निकल योगी जी जैसे बड़े बड़े टेक यूट्यूबर भी आपको नहीं देते हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्चाई ये है कि वो लोग चाहते ही नहीं है कि आपका चैनल ग्रो हो या फिर आप जो है 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे के वॉच टाइम से ऊपर भी सोच सके। इसीलिए वो लोग जो है अपनी वीडियोस पे आपको इसी टारगेट पे बांध के रखते हैं। आपका ख्याल जो है, आपका दिमाग जो है, वो 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे के वॉच टाइम के आगे कैसे 10,000 करना है, कैसे 1,00,000 करना है, कैसे 1,000,000 सब्सक्राइबर करना है, उसके ऊपर जाए नहीं, और आप इसी पे है अपना टाइम को जो है खोटी करते रहें, उनके बताए गए तरीकों को यूज करते हुए इसी पे ही फंसे हुए रह जाएं। तो दोस्तों, आज जो है मैं बात करूंगा 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम जल्दी से जल्दी आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद में जब आपका 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप 10,000 सब्सक्राइबर कैसे लाएं, व्यूज कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने चैनल को वायरल करें, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब से अर्निंग कर सकें, उसके बारे में सोच सकें। क्योंकि दोस्तों, जब चैनल नया होता है और आपका ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है, तब तक आपके दिमाग में यही टेंशन रहता है कि कब मेरा 1000 सब्सक्राइबर, कैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, कैसे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होगा। इसलिए जो है आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस देखते रहते हो, इवन जो है आप इस वीडियो को भी अगर क्लिक करके आए हैं तो आपके मन में भी यही रहेगा कि कैसे हम अपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करें। दोस्तों, आपका ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है जिसपे आप काफी दिनों से काम कर रहे हैं, चाहे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इवन जो है कई लोग साल भर से भी काम करते हैं, उनका ये जो क्राइटेरिया है ये पूरा नहीं हो पाता है। तो आप भी इसी तरह से हैं, आपका भी चैनल ऐसा ही है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मगर आपको जो है सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है। तो मैं आपको पूरा यूट्यूब ग्रोथ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप नए चैनल बना के कर रहे हैं तो ठीक है, या फिर आप अपने पुराने चैनल पे भी वर्क करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पेड मोनेटाइजेशन से अपने चैनल का 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है उसको कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको टेक्निकल कौशल YouTube चैनल के बारे में बताऊंगा। मैं उनको काफी दिनों से फॉलो कर रहा हूं, पर्सनली मैंने कभी उनसे कांटेक्ट नहीं किया है, मगर मैं उनके वीडियोस देखता हूं और वो जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं सही है। जब आप शुरुआत में ही 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम का टेंशन खत्म कर देंगे, अपने दिमाग से उतार देंगे, तब जो है आप आगे के लिए फोकस करेंगे। तो इसीलिए मेरा भी यही मानना है कि आप अगर नए चैनल बना रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपका चैनल है जिसपे ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है, तो जो भी बचा हुआ है, आपके जो भी बैलेंस सब्सक्राइबर हैं या फिर बैलेंस वॉच टाइम है, उसको जो है इस तरह के जो पेड मोनेटाइजेशन वाले चैनल्स होते हैं, लोग होते हैं, उनसे कांटेक्ट करके जो है आप अपना जो बचा हुआ क्राइटेरिया को जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए। अब आप सोचेंगे कि भाई पेड मोनेटाइजेशन से चैनल डेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्चुअली चैनल डेड होता नहीं है, सब्सक्राइबर जो डेड होते हैं, यानी कि आपके, आप जितना देर करोगे ना, आपके जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो धीरे धीरे डेड होने लगेंगे। यही एक वजह होता है दोस्तों कि बड़े बड़े यूट्यूबर मिलियंस में सब्सक्राइबर होने के बाद भी उनके जो वीडियोस देखेंगे तो मिलियंस में व्यूज नहीं आते हैं, लाखों में व्यूज आते हैं, क्योंकि उनका चैनल जितना पुराना होते जाएगा, पुराने जो सब्सक्राइबर है वो डेड होते जाएंगे और जो एक्टिव सब्सक्राइबर रहेंगे वही आपके वीडियो पे व्यूज आएंगे। तो आपको जल्द से जल्द जो है पहले 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम, मैं कहता हूं कि भाई आप एक चैनल क्रिएट कीजिए, ठीक है, और उसको 1 महीने के अंदर में 10 से 15 वीडियो, 5 मिनट से ऊपर 10 मिनट के भीतर वाला वीडियो, 10 से 15 वीडियोस अपलोड कीजिए। और इस तरह के जो मोनेटाइजेशन करने वाले होते हैं जैसे कि टेक्निकल कौशल भाई, अब मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उनका खुद का चैनल है, उनको लोग जानते हैं, वो डायरेक्ट यूट्यूब पे सारा कुछ दिखाते हैं प्रूफ के साथ में, और काफी चैनल उन्होंने मोनेटाइज भी किया है। तो मैं पर्सनली यही कहूंगा कि आप जो है उनसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए और अपना चैनल का जो भी बचा कुचा है 1000 सब्सक्राइबर में या 4000 घंटे के वॉच टाइम में, 7-8 हजार खर्चा करके, आप अगर पूरा जीरो से पूरा 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम लेना चाहते हैं तो बात कर लीजिए कितने में वो करेंगे, मगर मेरा मानना है अगर आप 7-8 हजार दे के पूरा 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम 1 महीने या फिर 15 दिन के अंदर में भी कंप्लीट कर लेते हैं,
उसके बाद में दोस्तों आपको इसका टेंशन नहीं रहेगा कि आपको कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाना है, मतलब कैसे ये क्राइटेरिया को पूरा करना है। इसके बाद में आप फ्री हो के अपने ऑर्गेनिक ऑडियंस की तरफ मूव कर सकते हैं, सोच सकते हैं कैसे अपने YouTube चैनल पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाके अपने एक्टिव सब्सक्राइबर को लेके आना है। इसके लिए दोस्तों जब आप अपने चैनल को कंप्लीट कर लेंगे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम, उसके बाद में आपको आपका कंटेंट जो है अच्छा से अच्छा बनाना है। और उसके बाद में आपका वीडियो अगर YouTube सपोर्ट नहीं कर रहा है, YouTube सजेशन में नहीं भेज रहा है, तो खुद आपके वीडियो को लोगों तक पहुंचाना होगा, जिसके लिए आप गूगल एडवर्ड का सहारा ले सकते हैं, गूगल पे एड चला सकते हैं। आप अगर 400 से 500 रुपए महीने के 500 रुपए मिनिमम डिपॉजिट होते हैं गूगल एडवर्ड पे, 500 रुपए डिपॉजिट कीजिए और लो कॉस्ट पे अपने वीडियो को गूगल एडवर्ड पे प्रमोट करके अपने लिए ऑर्गेनिक व्यूअर और सब्सक्राइबर ला सकते हैं। इस तरह से जो है आप थोड़े से पैसा इन्वेस्ट करके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, अगर आपका चैनल आपकी वीडियो को यूट्यूब सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। आप अगर एक बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से सोचेंगे तो शुरुआत में आपको जो है कुछ पैसे जो है इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद में आप फ्यूचर देखेंगे कि जैसे आपके चैनल पे ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर व्यूअर्स आना चालू हो जाएंगे, आपका कॉन्टेंट उनको पसंद आना चालू हो जाएगा, बाद में आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है ना वो आप रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में एक टिप्स आपको जरूर दूंगा, कभी भी एक ही यूट्यूब चैनल पे फोकस मत कीजिए। शुरुआत में हो या फिर कभी भी आपको जो है 2 से 3 यूट्यूब चैनल पे काम करना चाहिए और हर अलग अलग कैटेगरी पे काम करना चाहिए और 2 अलग अलग जीमेल आईडी पे आपका जो है अलग अलग चैनल होना चाहिए, ताकि दोस्तों आपके 2 से 3 जो अलग अलग कैटेगरी के चैनल हो गए उसमें से कोई एक चैनल अगर आपका क्लिक हो जाता है तो उसको जो है आप अपने मेन चैनल की तरह काम कर सकते हैं। आप अगर ऑर्गेनिक तरीके से 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे के वॉच टाइम के पीछे पड़े रहेंगे तो भाई आपका जो है समय इसी में ही 1 साल 2 साल खत्म हो जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी नया चैनल जो है यूट्यूब 3 से 4 साल तक उसको सपोर्ट करता है, किसी भी तरीके से उसको लोगों तक पहुंचाता है, उसके बाद में फिर भाई वो धीरे धीरे उस चीज़ को करना बंद कर देता है, वो सपोर्ट करना बंद कर देता है। इसका एग्जांपल मेरा खुद का चैनल है, 5 साल हो चुके हैं मेरे मेन चैनल को, अब वहाँ पर उस हिसाब से ट्रैफिक नहीं आता है क्योंकि यूट्यूब जो है कहीं ना कहीं पुराने चैनल पर उतनी रीच नहीं देती है, यूट्यूब नए चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो आप जो है नए चैनल पर हमेशा ये सोचिए कि 3 साल में आपको जो भी टारगेट है, चाहे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने का हो या फिर बहुत सारे पैसे कमाने का हो, ये सोच के चलिए कि आपके पास 3 साल है, इन 3 साल में आपने जो कमाया YouTube से, जो भी बना पाया, जो भी अपने बेस बना पाई, वही आपके आगे चल के भी रहेगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका क्या ख्याल या सुझाव है नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।